गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ में अपने लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूं और आज मैं लंच में बनाने वाली हूं इडली सांभर और कोकोनट की चटनी। तो इसके लिए मैंने बैटर ले लिया है और ये बैटर है रेडीमेड ही है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर इसके बाद मैंने इडली के ये सांचे ले लिए हैं और इसमें हल्का हल्का ऑयल स्प्रेड कर दिया है और फिर बैटर फिल कर देंगे। तो इसी तरह से मैं एक एक करके सारे सांचों को बैटर से फिल करके रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं सभी सांचों को इडली स्टैंड में पकने के लिए रख दूंगी। तो ये करीब 20 मिनट तक फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और फिर 20 मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे। फिर जब ये 10 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं सांभर रेडी कर लेती हूँ। तो सांभर के लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, राई ऐड किया है। जब राई थोड़ा चटकने लगे तो इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ी सी हींग और करी पत्ते इस साथ में मैं डाल दूंगी और गैस को स्लो ही रखूंगी इससे ये जल ना जाए। फिर यहाँ पे मैंने तूर दाल लिया है, इसको मैंने आधे घंटे पानी में सोख करके रख दिया था जिससे हमारी दाल जल्दी पक जाएगी। तो ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और अभी मैं इसमें 1.5 ग्लास के अराउंड पानी ऐड कर दूंगी और फिर जब ये पक जाएगा तब इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी। सांभर मसाला भी मैं इसी वक्त ही डाल दूंगी और हम इसमें इमली यूज़ नहीं करते। तो मीन्स हम लोग इसमें सांभर में इमली नहीं यूज़ करते, तो हम इसमें थोड़ा खट्टेपन के लिए नींबू ही यूज़ कर लेते हैं। तो उससे भी अच्छा ये सांभर चटपटा बन जाता है। फिर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो देखिए यहाँ हमारी इडली बिल्कुल रेडी हो गई है और कितनी स्पॉन्जी बनी है, देखिए बहुत स्पॉन्जी बनी है और बहुत यम्मी लग रही है। तो जब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल हम जब लगाते हैं तो ये आसानी से बाहर आ जाती है निकल के। तो फिर अब ये मैं यहाँ पर चटनी रेडी कर लूँगी। चटनी के लिए मैंने जीरा, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मिर्ची, हरी मिर्ची की 2-3 और लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और ये नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और यही मैं नींबू भी जब मैं इसे पीसूंगी तब डाल दूंगी। तो ये हमारी चटनी भी बनकर रेडी हो गई है। फिर यहाँ पर चटनी के लिए मैं थोड़ा तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो तड़के पैन में मैंने इसमें राई, थोड़ी सी हींग और करी पत्ते को ऐड कर दूंगी। यहाँ पर दूसरे गैस पर मैंने इडली को फिर से फिल करके पकने के लिए रख दिया है। तो साथ ही हमारी जो इडली का सेकंड राउंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा तड़का भी रेडी है और इसे मैं चटनी के ऊपर डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी।
तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लंच बिल्कुल रेडी है, और जॉइन अस प्लीज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।